अब की बार किसकी बनेगी सरकार? हरियाणा विधानसभा का चल रहा है घमासान। विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने पूरे स्तर पर है। सभी दलों के प्रत्याशी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में पंजाबी समाज के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि ओल्ड फरीदाबाद में पंजाबी समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए। खबर रिपोर्ट के जरिए फरीदाबाद में पंजाबी समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए। बता दें कि पंजाबी समाज के लोगों ने दिया बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल को अपना समर्थन और लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी विपुल ने कहा कि मैं कोई नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं। अपने बेटे को एक बार फिर से जीता कर आप चंडीगढ़ भेज दो, बाकी काम विपुल गोयल 5 साल 18 घंटे तक करेगा। आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन के निशान पर वोट डाले और साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए भी कहें। ये मेरे फरीदाबाद की शान है। फरीदाबाद के बुजुर्ग नौजवान साथी सबने मिलकर विपुल गोयल को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। बता दें कि ओल्ड फरीदाबाद में पंजाबी समाज की तरफ से आयोजित भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से विपुल गोयल के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही बीजेपी के शासन और कांग्रेस के शासन की तुलना कर कहा कि कांग्रेस के समय किस तरीके से विकास और सरकारी नौकरी कुछ जिलों तक ही रह गई थी, बीजेपी के 10 सालों में फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा में चौमुखी विकास हुआ। मित्रों जरा याद करो, हमारे आने से पहले आगरा कलार और गुड़गांव कलार पर खेरीपुर पल्लापुर बड़ौलीपुर टिकामपुर होते थे। अंग्रेजों के जमाने के कई कई घंटे जाम लगता था। हमने इन 10 सालों में एक नहीं बॉर्डर से लेके कैली तक दर्जनों फोर लाइन के पुल बना दिए। अब तो कहीं जाम नहीं मिलता। मैं किस चीज की खेलों के स्टेडियम हो, पार्कों का सौंदर्यकरण हो, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, हमने हर पासपोर्ट ऑफिस लेके आए। आप फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पे जाना, आपको नजर आएगा 262 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बना रहे हैं, जाके देख लेना। केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आगे ये भी कहा कि फरीदाबाद की 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। आने वाले 5 सालों में फरीदाबाद में और ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के बहकावे में कांग्रेस ने गारंटियां तो हिमाचल में भी दी थी पर आज तक पूरी नहीं हुई। कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। हमारा संकल्प पत्र सिद्धि तक पहुँचता है। कांग्रेस की घोषणा भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली, धोखा देने वाली, उसका जीता जागता उदाहरण है 2022 में हिमाचल के चुनाव में इन्होंने हर महिला को 1500 रुपये देने का हर महीने वादा किया था, 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। आज 2 साल हो गए, महिलाएं इंतजार कर रही हैं 1500 रुपये का। लोग बिजली बिल 300 यूनिट मुफ्त में देने का इंतजार कर रहे हैं। यही हाल तेलंगाना और कर्नाटक में। ये कहकर मुकरने वाले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो संकल्प लेती है उसको सिद्धि तक पहुंचाती है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कई दांव खेल रही है। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। टोटल टीवी के लिए अनिल मंगला की रिपोर्ट।